गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बच्चों, हमने पार्ट चौथा मित्र का चुनाव, जिसके बारे में हमने समझ लिया था कि हमें सही मित्र की पहचान कैसे करनी चाहिए, कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, उनसे जान जान पहचान कैसे बढ़ानी चाहिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम इसके न्यू वर्ड्स में हमारे कुछ वर्ड्स हैं इसमें, जैसे गणना, असामाजिक, पतंगड़, पाखंडी, स्पष्टवादी, क्षणभंगुर, दिलचस्पी, नैतिकता, षड्यंत्र, अप्रवृत्ति। अब आते हैं इनके शब्द हैं शब्द तटस्थ। तटस्थ मतलब आता है निष्पक्ष, जो दलबंदी से अलग रहता हो। असामाजिक, जो समाज से बाहर हो। पतंगड़, बात बिगाड़ना। साफ बुआई मतलब स्पष्टता। विवेक, अच्छा बुरा पहचानने की शक्ति। गोपनीय, छिपाने लायक। भावुकता, भावना में बह जाना। विली यानी कि छिप जाना। तो अब हम आगे इसके बढ़ेंगे अति लघु प्रश्न। बच्चों स्टार्ट करते हैं अति लघु प्रश्न, जिसमें पहला है आपका, ये पत्र कौन, किसने, किसके बारे में लिख रहा है। तो बच्चों इसका आंसर है, ये पत्र एक पिता अपने पुत्र को मित्रों के बारे में जानकारी देने के लिए लिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आदमी की पहचान किससे होती है। आदमी की पहचान उसके व्यवहार और बातचीत की शैली तथा उसके तौर तरीकों से होती है। बुरे लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। बुरे लोगों से ना झगड़ना, ना दोस्ती करनी चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, ना उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और ना बुराई। फोर्थ क्वेश्चन है, कैसे लोगों से मित्रता करने से हमें बचना चाहिए। तो हमें धूर्त और चालाक लोगों से मित्रता करने से बचना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, भावुकता पर आधारित दोस्ती कैसी होती है। भावुकता पर आधारित दोस्ती सच्ची नहीं, क्षणभंगुर होती है।